बताते हैं, कोटा एयरपोर्ट पर अचानक से सरगर्मियां बढ़ गई और इमरजेंसी प्लेन लैंडिंग के संकेत यहां पर मिले हैं। मुख्यमंत्री का ये प्लेन यहां पर बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोटा एयरपोर्ट पर अचानक से सरगर्मियां यहां पर बढ़ गई हैं। इमरजेंसी प्लेन लैंडिंग के संकेत यहां पर मिल रहे हैं और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्लेन यहां पर बताया जा रहा है। कोटा एयरपोर्ट पर अचानक से सरगर्मियां बढ़ गई है। आनन फानन में यहां पर आप देख रहे हैं कि दमकलें पहुंची है और साथ में जो दूसरी तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही है। सूचना यह है कि यहां पर किसी प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है और ये इमरजेंसी लैंडिंग शायद मुख्यमंत्री के प्लान की हो सकती है। आप देख रहे हैं कि पुलिस की जीप यहाँ पर खड़ी है, पुलिस जाब्ता यहाँ पर पहुँचा है और साथ में जो यहाँ पर एयरपोर्ट का मुख्य द्वार है वहाँ पर सुरक्षा प्रहरी आनन फानन में तैनात किए गए हैं और साथ में बाकी जो तैयारियाँ हैं वो भी यहाँ पर की जा रही है और जो एयर ट्रैफिक है खासतौर पर उस पर नज़र रखी जा रही है। माना जा रहा है कि आज राजस्थान के 15 से 16 जिलों में मौसम खराब होने के अलार्म है, मौसम खराब होने की चेतावनी है। आंधी आ सकती है, बारिश के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है और ऐसे में मुख्यमंत्री का जो प्लान है, चूंकि मुख्यमंत्री आज प्रतापगढ़ के दौरे पर हैं तो जयपुर में उनको लैंड होना है, आसपास के जो दूसरे एयरपोर्ट हैं उनको भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया और इसी अलर्ट को देखते हुए यहाँ पर एहतियातन कोटा एयरपोर्ट पर सरगर्मियाँ बढ़ी है और किसी भी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कोटा एयरपोर्ट पर पूरी तरह से फिलहाल तैयारियाँ संपादित की गई है। कैमरामैन रामेश कुशवाहा के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।